hello students in this lecture we will learn about the formulation of herbicides and calculation of herbicides in formulation we will discuss about the different type of products which are used for herbicide application and this product may be dry or granule or liquid there are different type of products and these products are actually formulation so we will discuss about the फॉर्मूलेशन कि कैसे हर्बिसाइड्स के फॉर्मूलेशन होते हैं कौन कौन से एंड हाउ दे हर्बिसाइड डोज कैलकुलेटेड उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी थ्योरी में अधिकतर क्वेश्चन एग्जामिनेशनस में आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिशन्स में आते हैं और प्रैक्टिकल यूटिलिटी यह है कि जब हम फील्ड पे जाते हैं और हमें हर्बिसाइड का स्प्रे करना होता है तो हम उसको कैलकुलेट करके ही स्प्रे करते हैं क्योंकि हर्बी की डोज अगर कम हुई तो वीड्स पर उसका इफेक्ट नहीं होगा इफ डोज इज मोर देन हरबी साइड में हार्म क्रॉप आल्सो। तो यहाँ बहुत कैलकुलेशन की जरूरत होती है तो इसको आज हम समझेंगे फॉर्मुलेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ हर्बीसाइड्स तो देखिए हर्वी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो हर्ब्स को किल करे तो हर्ब यहां मैंने वीड टर्म इसलिए नहीं लिया है एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड को ही पर्टिकुलर हर्बिसाइड एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को ही किल करता है तो यहाँ एक जो टर्म है वो हर्बिसाइड है जो हर्ब को किल करे यहाँ वीडी इसलिए टर्म नहीं बोली है क्योंकि हमें फील्ड में पता नहीं चलेगा कि हम तो जज कर सकते हैं कि वीड कौन सा है लेकिन जो प्रोडक्ट होता है जो केमिकल होता है उसको ये नहीं पता होता कि ये क्रॉप है या क्रॉप प्लांट है या वीड प्लांट है तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही किल करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप होता है जिसको केमिकल किल करते हैं जैसे कि हम पेंडीमेथलीन या टू फोर डी वीट क्रॉप में डालते हैं तो वीट क्रॉप किल नहीं होती है और वीट्स किल हो जाते हैं तो एक सेपरेट चैप्टर है इसकी बाद में स्टडी करेंगे आज हम केवल सीखेंगे फॉर्मलेशन क्या है तो हर भी साइड में जैसे मैंने बताया कि प्लांट स्पीसीज को किल करते हैं तो वो एक पॉइजन एक तरह से हम कह सकते हैं जो केमिकल है जो पॉइजन की तरह वर्क करता है और कुछ प्लांट्स को किल करता है और कुछ को नहीं करता है तो ये जो पॉइजन है इसी का ही जो है फॉर्मुलेशन होता है जिसको हम टॉक्सिक सब्सटेंस कह सकते हैं तो जो फॉर्मुलेशन होगा जो प्रोडक्ट होगा हर्बिसाइड का उसमें क्या होगा टॉक्सिक सब्सटेंस होगा टॉक्सिक सब्सटेंस और ये 100 परसेंट टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होगा इसको हम किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे सॉल्वेंट वाटर हो सकता है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकते हैं या एल्कोहल हो सकता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकते हैं तो इसको हम मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में तो ये एक प्रोडक्ट बनता है लेकिन जब हम सॉल्वेंट और टॉक्सिक सबस्टेंस को मिलाते हैं फिर हम इसको क्रॉप पे स्प्रे करते हैं तो जो स्प्रे करते हैं तो अगर इसकी सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है तो उसकी इफिशियंसी पुअर हो जाती है या स्प्रे करने के बाद वो प्लांट्स की लीव्स पे स्टिक ना करे रिटेंशन ना हो या उसके अंदर फर्दर मूवमेंट ना हो या हम इस प्रोडक्ट को रखें तो इसकी विद द टाइम कम हो जाए रिड्यूस हो जाए तो इसके लिए हम कुछ चीजें मिलाते हैं जिसको हम ब्रॉडली बोलते हैं एडजुवेंट्स एडजुवेंट्स तो मेनली जो है ये तीन चीजें जो हैं किसी भी हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन में ये रहती हैं हर्बिसाइड क्या किसी भी पेस्टिसाइड में रहेगी चाहे इंसेक्टिसाइड हो या फंजी साइड तीन मेन चीज ये रहती हैं अब एडजुवेंट जो होते हैं कई तरह से हो सकते हैं जैसे सर्फेक्टेंट है वो सरफेस एरिया को कम करेगा ताकि उसकी इफिसंसी बढ़ जाए कुछ ऐसे होंगे जो स्टिकर की तरह काम करेंगे कि जो हर्बिसाइड साइड है प्लांट्स के लिए पे स्टिकर जैसे चिपक जाए ड्रॉप उसकी ना बने कुछ इस तरह के होंगे कि हरवी साइड का पेनिट्रेशन लीफ के अंदर बढ़ा दें कुछ ऐसे होंगे जो इसकी स्टोरेज को बढ़ा दें कुछ ऐसे होंगे जो इसके हैंडलिंग करने में इसको इजी करें कुछ ऐसे होंगे स्टेबलाइजर जो लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उसकी टॉक्सिसिटी को मेंटेन रखें तो कई तरह के एडजुवेंट्स हो सकते हैं कई तरह के वर्क हो सकते हैं इसके तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी अरबी में टॉक्सिक सब्सटेंस सोलवेंट और एडजुवेंट अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है एक्चुअली में जब इसको हम स्प्रे करेंगे तो ना तो ये किल करेगा प्लांट को ना एडजुवेंट किल करेगा एडजुवेंट केवल इसकी इफिशियंसी को बढ़ा देता है तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है एक्चुअली में यही एक्टिव सब्सटेंस है जो कि पॉइजन का काम कर रहा है या आ, किलिंग का काम कर रहा है तो जो एक्टिव सब्सटेंस है वो टॉक्सिक है तो जो तीन, तीन, तीन अब इसके अंदर हो गए टॉक्सिक सब्सटेंस सॉल्वेंट एडजुवेंट तो इसमें जो टॉक्सिक है वही एक्टिव इंग्रेडिएंट है एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसको हम एआई कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट तो ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये 10 परसेंट भी हो सकता है 5 परसेंट भी हो सकता है 20 परसेंट भी हो सकता है 50 परसेंट भी हो सकता है 80 परसेंट भी हो सकता है इवन 90 परसेंट भी हो सकता है तो ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितना टॉक्सिक सब्सटेंस है जितना ज़्यादा ए होगा उसके अंदर फॉर्मुलेशन में उतने ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होगा तो अब जैसे कि हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं ड्राई फॉर्म में हो सकता है लिक्विड फॉर्म में हो सकता है तो उसी तरह से जो है उस फॉर्मुलेशन को नाम दिए जाते हैं और जो नाम दिए जाते हैं इन जनरल दो कैपिटल लेटर्स में दिया जाता है तो इन जनरल जो फार्मुलेशन्स हैं हर्बिसाइड्स के जैसे ई है ई सी इमल्सिफ ये कंसनट्रेट तो ये बहुत सारे होते हैं अब जैसे कि थर्टी ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हर्बिसाइड है फॉर एग्ज़ाम्पल पेंडी मेथिलीन थर्टी का होता है जो पेंडी है वो थर्टी ई का है तो इसका मतलब है कि पेंडी का जो फॉर्मेशन है वो इमल्सिट्रेट में है दो कैपिटल लेटर्स में रहता है ये तो एक तो जो है प्रोडक्ट है एम्सिफ्य कॉन्सेंट्रेट में है दूसरा उसमें जो ए आई है वो थर्टी परसेंट है इसका मतलब कि जो पेंडिमेथलीन की जो टॉक्सिक जो डोज केवल थर्टी परसेंट है 70% परसेंट सोलवेंट और एडजुवेंट है तो इसको हम इनर्ट मैटर भी कह सकते हैं इनर्ट मैटर इनर्ट इंग्रेडिएंट या इनर्ट uh, मैटर कह सकते हैं या इनर्ट इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं तो जो हर्बिसाइड बना दो चीजों से बना एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड इनर्ट इंग्रेडिएंट ये क्योंकि प्लांट्स uh, की किलिंग में uh, काम नहीं कर रहे हैं तो जो थर्टी ईसी का मतलब यह है कि केवल थर्टी परसेंट ही पॉइजन कितना काम कर रहा है थर्टी परसेंट एक्चुअल जो पेंडीमेथिन की जो मात्रा है जो डोज है एक्चुअल जो पेंडिमेथिन का जो केमिकल है केवल थर्टी परसेंट है सेवेंटी परसेंट क्या है सॉल्वेंट होंगे एडजुवेंट होंगे सरफेक्टेंट होंगे जो बाकी उसमें जो मिला होगा वो होंगे तो थर्टी इसी का ये मतलब हुआ अगर फिफ्टी डब्ल्यू पी लिखा है या फिफ्टी परसेंट डब्लू पी लिखा है जैसे कि एट्रोजिन के केस में होता है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा हर्बिसाइड है उसमें फिफ्टी परसेंट ही एट्राजिन है अगर हम एक किलो एट्राजिन लेंगे तो उसमें से आधा किलो मतलब 500 ग्राम ही प्योर केमिकल होगा और बाकी जो होगा 50 परसेंट क्या होगा इनर्ट इंग्रेडिएंट होंगे पाउडर दूसरे पाउडर होंगे पाउडर फॉर्म में वेटेबल पाउडर तो इस हम इस तरह से और भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन हैं उससे हम समझ सकते हैं जैसे कि फोर्टी वन एस एल फोर्टी वन परसेंट भी लिखा होता है फोर्टी वन एस एल ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्लाइफोसेट में जो एक्चुअल जो मात्रा है सॉल्युबल लिक्विड है जो 41% परसेंट ही एक्चुअल में ट्रू या बिल्कुल प्योर ग्लाइफोसेट है और बाकी का जो बचा आ, 59% जो है वो इनर्ट इंग्रेडिएंट है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम 100 एम ग्लाइफोसेट लें तो उसमें 41 वन ही प्योर ग्लाइफोसेट होगा बाकी 59 नाइन क्या होगा सॉल्वेंट होंगे या एडजुवेंट्स होंगे इसी तरह से हम देखें फोर्टी टू एस सी ए टेम्बोट्रायन टैम्बोट्रायन ये नया केमिकल है जो मेज में यूज होता है पोस्ट इमरजेंसी सर्विस साइड में तो सॉल्युबल कंसेंट्रेट एस सी सॉल्युबल कंसेंट्रेट इसका मतलब फोर्टी परसेंट फोर्टी टू परसेंट जो है एक्चुअल टेम्बोट्रायन है बाकी जो फिफ्टी एट परसेंट है वो क्या है सॉल्वेंट है तो ये जो शुरू की जो देखिए दो अब हमारे पास पता चले एक तो होता है नंबर जो न्यूमरल नंबर होता है और एक होते हैं अल्फ़ाबेट तो ये जो नंबर है ये जो नंबर है ये क्या बताते हैं कि एक्चुअल में परसेंटेज प्योर कितनी प्योरिटी उसके अंदर एक्चुअल में कितना प्योर उसमें केमिकल है बाकी के जो ये दो अल्फ़ाबेट हैं ये हमें ये बताते हैं कि जो प्रोडक्ट है फॉर्मुलेशन है वो किस फॉर्म में है और कई फॉर्म होती हैं इसकी बहुत सारे जो है फॉर्मुलेशंस होते हैं ये तो एक कॉमन मैंने आपको बताया कि जो हम फील्ड में यूज करते हैं अब कई तरह के आ रहे हैं जैसे एम ई आ रहा है माइक्रो uh, इमल्शन आ रहा है एस ई आ रहा है सस्पो इमल्शन आ रहा है और कैप्सूल सस्पेंशन आ रहे हैं ये बहुत ही एडवांस्ड जो हर्बिसाइड हैं इस तरह के आ रहे हैं इसी तरह से जी आर ग्रेनुअल्स होते हैं माना टेन जी आर है तो इसका मतलब उसमें जो टेन परसेंट जो केमिकल है नाइन्टी परसेंट इनट मटीरियल है इसी तरह से डब्लू जी वाटर सोल्यूबल ग्रेनूल्स होते हैं डब्लू डिस्पर्सिबल ग्रेनुल्स होते हैं वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनूअल होते हैं ये वाटर सोल्यूबल ग्रेनूल और वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनूल इसी तरह से ओडी होता है ऑयल डिस्पर्जन होते हैं तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हमें फॉर्मेशन बताते हैं इसके लिए एक सेपरेट मैं लेक्चर बताऊंगा कि इनकी मीनिंग इनका क्या मतलब होता है कैसे बनते हैं इसके आगे अगर कोई नंबर लिखा है माना फोर एम ई लिखा है तो इसका मतलब उसमें फोर परसेंट ही केमिकल है नाइन्टी सिक्स परसेंट इनर्ट मटेरियल है माना यहाँ टेन ऐसी लिखा है तो टेन परसेंट ही ट्रू केमिकल है पॉइजन है नाइन्टी परसेंट इनर्ट मैटर इन्ग्रीडियंट है मतलब सॉल्वेंट्स मिले हुए हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि फॉर्मुलेशन हर्बिसाइड के क्या होते हैं तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक तो उसका नंबर क्या है आगे का नंबर केमिकल की परसेंटेज बता रहा है कितना प्योर केमिकल है और जो बाकी के जो दो अल्फ़ाबेट्स हैं कैपिटल के ये उसके फॉर्मुलेशन टाइप बता रहे हैं तो ये हमारा फॉर्मूलेशन जो हर उस पर हर के डिब्बे पे लिखा होता है उससे हम पढ़ करके समझ सकते हैं कि ये कितना यूज़ हो रहा है तो ये फॉर्मूलेशन है अब जब हमारा रिकमेंडेशन बनती है किसी भी हर विसाइट की तो वो के जी ए आई पर हेक्टर पे बनती है टोटल प्रोडक्ट पे नहीं बनती है मान लीजिए जब अगर हम मेज का एग्जाम्पल लें तो मेज में जो एट्राजिन की जो डोज है वो वो वन किलोग्राम ए आई पर हेक्टर है तो इसका मतलब यह है कि मेज क्रॉप में हमें वीट्स को कंट्रोल करने के लिए जो एट्रोजिन अप्लाई करना है दैट डोज इज़ वन किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर अब आप बाज़ार से खरीद के लाए एट्रोजिन एक किलो और आपने उसको यूज़ कर दिया और आपने कहा कि एक किलो यूज़ हो गया तो साइंटिफिकली वो ए नहीं हुआ उसमें जो हमने एक किलो जो हम कह रहे हैं वो टोटल प्रोडक्ट हुआ और हम यहाँ कह रहे हैं एक्टिव इंग्रेडियंट और जो एट्रोजिन में कितना होता है फिफ्टी परसेंट डब्लू पी का होता है तो इसका मतलब कि फिफ्टी डब्ल्यू पी है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक किलो एट्रोजिन यूज़ कर रहे हैं तो उसका आधा फिफ्टी 50%, परसेंट मतलब पाँच सौ ग्राम फिफ्ट फाइव हंड्रेड ग्राम ही एक्टिव इन्ग्रेडियंट है और हमको यूज़ कितना करना है वन के जी आई पर हेक्टर इसका मतलब हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी तो यहाँ फिर हमें क्या करना पड़ता है कैलकुलेशन करनी पड़ती है जैसे कि पेंडीमेथिन का हम केस लें पेंडीमेथिन केस में भी जो ए आई है पेंडेमेथिन में वो तो वन के जी ए आई पर हेक्टर है वीट के केस में और कितने का है ये थर्टी ई सी का है पेंडिमेथिलन तो अगर हम कहें कि भाई वीट के क्रॉप में एक के जी ए आई पर हेक्टर से पेंडिमेथिन यूज करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बाजार से एक लीटर पेंडिमेथिन खरीदा और उसको एक हेक्टर फील्ड में अप्लाई कर दिया नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि ये ए आई यूज करना है अगर हम एक लीटर पेंडिमेथिल यूज कर रहे हैं तो उसका थर्टी परसेंट उसका जो थर्टी परसेंट होगा मतलब थ्री हंड्रेड एम एल ही एक्चुअली में यूज़ हुआ और हमको कितना करना है वन के जी ए आई करना है तो यहाँ जो हमारी साइंटिफिक रिकमेंडेशन होती हैं वो ए आई में होती हैं प्रोडक्ट की जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट यहाँ दिया होता है तो इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो ये मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं साइंटिफिक रिकमेंडेशंस क्या होती हैं और उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर फील्ड में इसका अप्लीकेशन होना बहुत आ, मुश्किल हो जाता है और फार्मर्स के साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केस में जब फार्मर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो हम उनको टोटल डोज प्रोडक्ट की बता देते हैं ताकि उनको कैलकुलेशन ना करनी पड़े अदरवाइज़ हाँ डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा जाता है वो एआई पर हेक्टर में लिखा जाता है तो ये जो लेक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो प्रैक्टिकल हम करते हैं फील्ड में उससे भी तो ये बुक है uh, जो मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमरिकल्स जो मैंने ही लिखी है इसी में चैप्टर है हर बिसाइड अप्लीकेशन का आप इससे न्यूमरिकल कर सकते हैं तो इसमें जो हम डोज निकालते हैं हर्बिसाइड की उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड अगर हमें निकालनी है अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड केजी के जी पर हेक्टर में अगर हमको निकालना है तो हम ये देखेंगे पहला कि उस प्रोडक्ट का रिकमेंडेड एप्लीकेशन रेट ए आई में कितना है एक्टिव इंग्रीडियंट में कितना है रिकमेंडेड अप्लीकेशन रेट के जी ए आई पर हेक्टर में साइंटिफिकली कितना रिकमेंड किया गया है डिवाइडेड बाई जो हर भी साइड में एक्चुअली ए आई कितना है ए आई प्रेजेंट इन हरबी साइड देन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लीजिए और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल अगर एट्राजिन का लें जैसे कि एट्राजिन एट्राजिन का जो रिकमेंडेड एप्लीकेशन रेट है वो वन के जी ए आई पर हेक्टर है मीज में ओके तो हम कितना डालें इसको एक हेक्टर एरिया में और ये फिफ्टी डब्लू पी का है तो देखिए जो अमाउंट आएगी अमाउंट रिकमेंडेड एप्लीकेशन रेट कितना है वन के जी ए आई पर हेक्टर जो हमारा यहां लिखा जाना है तो वन डिवाइडेड बाई ए आई प्रजेंट तो यहां देखिए ये जो आगे की जो वैल्यू है ये ए आई उसमें जो मैंने बताया वो होती है तो इसका मतलब फिफ्टी ओके मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो ये कितना हो गया टू के जी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको एट्रोजिन वन के जी आई पर हेक्टर डालना है तो हमको उसकी जो टोटल डोज है जो टोटल एट्रोजिन डालेंगे हम टू के जी डालेंगे क्योंकि उसमें फिफ्टी परसेंट ही एक्टिव इन्ग्रीडियंट है ये हमारा पर हेक्टर निकला ओके अब जितना भी एरिया हो टू हेक्टर एरिया हो या थ्री हेक्टर एरिया हो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल डोज निकल आएगी इसी तरह से अगर हम पेंडीमेथिन का लें पेंडीमेथलीन इसका भी जो है जो रेट है एट द रेट ऑफ वन के जी ए आई पर हेक्टर यूज होता है ये वीट में और ये थर्टी ई सी का होता है तो यहां जो हमें ए आई पे ध्यान देना है उसके फॉर्मूलेशन पर ध्यान नहीं देना है तो यहां जो अमाउंट आएगी तो यहां जो रिकमेंडेड एप्लीकेशन रेट कितना है वन है तो वन डिवाइडेड बाई ए कितना उसमें थर्टी इंटू हंड्रेड तो कितना हो गया थ्री पॉइंट थ्री थ्री अब देखिए किलोग्राम में नहीं आएगी ये इमल्सिफाइबल है, लिक्विड में होता है तो ये किसमें आएगी लीटर में आएगी तो इसका मतलब यह है कि एक हेक्टर एरिया में हमको पेंडिमेसलिन वन के जी आई पर हेक्टर से स्प्रे करना हो तो हमको एक हेक्टर एरिया में थ्री पॉइंट थ्री थ्री लीटर पेंडी मछली की जरूरत पड़ेगी तो ये पर हेक्टर में निकलता है इसी तरह से अगर आपको दो हेक्टर एरिया तीन हेक्टर एरिया में निकालना हो तो उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर एरिया वन हेक्टर से कम है तो इस डोज को हम पहले टेन थाउजेंड स्क्वायर मीटर से डिवाइड करेंगे और जितना स्क्वायर मीटर एरिया पूछा गया है उतने स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये सिंपल मेथड है उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है और एक या दो न्यूमेरिकल्स जनरली एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और अगर आपने इन न्यूमेरिकल्स को कर रखा है एक बार भी अगर आपने कर लिया है न्यूमेरिकल्स को तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैं एक दो न्यूमेरिकल कर और करा देता हूं आपको जैसे कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ पेंडीमेथलीन थर्टी परसेंट ईसी क्वेश्चन नंबर टू है इस बुक में फॉर सिक्स थाउजेंड द देशन रेट इज वन के जी ए आई पर हेक्टर अमाउंट ऑफ पेंडीमेथली हमें निकालनी है पेंडीमेथलिन की तो ये देखिए इसमें ब्रैकेट में दे रखा है थर्टी परसेंट ईसी या 30 EC, ये क्वेश्चन में दिया रहता है सिक्स थाउजेंड स्क्वायर मीटर एरिया एंड अप्लीकेशन रेट इज वन के जी ए आई पर हेक्टर अप्लीकेशन वन के जी ए आई पर हेक्टर तो देखिए अभी हम पहले वन हेक्टर के लिए निकालेंगे अमाउंट फॉर वन हेक्टर ये हो जाएगा एप्लीकेशन रेट वन डिवाइडेड बाई ए आई प्रेजेंट इन हरबी साइड थर्टी इन टू हंड्रेड दैट इज थ्री पॉइंट थ्री थ्री लीटर ये देखिए पर हेक्टर में निकली है ये अमाउंट लेकिन हमको जो कैलकुलेट करना है वो सिक्स थाउजेंड स्क्वायर मीटर एरिया में करना है अगर माना टू हेक्टर एरिया का पूछा होता तो हमसे टू से मल्टीप्लाई कर देते तीन हेक्टर का पूछा होता तो तीन हेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते लेकिन यहाँ जो पूछा है वो सिक्स थाउजेंड स्क्वायर मीटर के लिए पूछा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो इसको पहले हम टेन थाउजेंड स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसका मतलब है थ्री पॉइंट थ्री थ्री लीटर वन हेक्टर में चाहिए तो वन हेक्टर में कितना स्क्वायर मीटर होता है टेन थाउजेंड स्क्वायर मीटर तो इसका मतलब फॉर टेन थाउजेंड स्क्वायर मीटर एरिया हाउ मच पेंडिमेथिन इज रिक्वायर्ड थ्री पॉइंट थ्री थ्री लीटर तो वन स्क्वायर मीटर एरिया के लिए कितनी पेंडिमेथिन की जरूरत होगी थ्री पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाई टेन थाउजेंड और क्वेश्चन में कितना कितने के लिए पूछा गया सिक्स थाउजेंड के लिए सो फॉर सिक्स थाउजेंड स्क्वायर मीटर एरिया द रिक्वायरमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सिक्स थाउजेंड तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये निकल आएगा तो ये वन पॉइंट नाइन नाइन एट लीटर निकल आया वन पॉइंट नाइन नाइन एट लीटर आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये एक सिंपल वे है उसको कैलकुलेट करने का तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है और इस तरह से पूछा सकता है क्वेश्चन की अमाउंट दे दी जाए और पूछा जाए कि इसको कितने एरिया में हम स्प्रे कर सकते हैं तो उसका भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स फिर क्लियर हो जाएंगे कोई उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें हाउ मच एरिया कैन बी कवर्ड बाय 400 ग्राम एट्रोजिन इफ रेट ऑफ अप्लीकेशन इज 1.5 पॉइंट फाइव आई पर हेक्टर एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एट्राजिन इज 50 परसेंट तो पूछ रहे हैं कि कितना एरिया एट्राजिन में हम कवर कर सकते हैं कितने एरिया पे हम एट्रोजिन का स्प्रे कर सकते हैं और हम पे केवल फोर ग्राम एट्रोजिन है फोर ग्राम एट्रोजिन है तो कितने एरिया में हम एक्ट्रोजिन को स्प्रे कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन रेट है अप्लीकेशन रेट इज गिवन वन पॉइंट फाइव के जी ए आई पर हेक्टर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा हुआ है आ, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसको आराम से कर लेंगे एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एट्रोजिन इज फिफ्टी परसेंट और फिफ्टी परसेंट जो है इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है 50% परसेंट ए आई है तो हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको कोई केमिकल का नाम ही ना दें सिर्फ लिख दें केमिकल और ये इस तरह के क्वेश्चन दे दें तो देखिए पहले हम पता करेंगे कि जब अप्लीकेशन रेट वन पॉइंट ha पर हेक्टर है और फिफ्टी परसेंट है तो एक हेक्टर में कितना एट्रोजन लगेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगी अप्लीकेशन रेट रिकमेंडेड अप्लीकेशन रेट कितना है 1.5 ओके एंड ए कितना है फिफ्टी डिवाइडेड बाई फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो योगे थ्री के जी पर हेक्टर ओके okay. तो इसका मतलब कि एक हेक्टर एरिया के लिए थ्री के जी चाहिए अब किसान के पास कितना है फोर हंड्रेड ग्राम है तो वो कितने एरिया में स्प्रे कर सकता है तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है किसी के पास 600 ग्राम एट्रोजन हो सकता है केमिकल किसके पास 500 ग्राम हो सकता है तो कितने एरिया में उसको स्प्रे करें तो देखिए यहाँ 3 केजी कितने एरिया के लिए है वन हेक्टर एरिया के लिए है तो वन केजी कितने एरिया के लिए हो जाएगा वन अपॉन थ्री हेक्टर एरिया के लिए ओके और यहाँ फोर हंड्रेड ग्राम है तो फोर हंड्रेड ग्राम का मतलब कितना हो गया ये पॉइंट फोर के जी चूंकि ये सारी वैल्यू केजी में तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा के में तो पॉइंट फोर के विल कवर न अपॉन थ्री इंटू पॉइंट फोर हैक्टर अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट uh, कर सकते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री इंटू पॉइंट फोर इंटू टेन थाउजेंड स्क्वायर मीटर एरिया तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी जो है वो आ, निकल आएगा कि कितना ये एरिया है तो बुक के अकॉर्डिंग आप आप खुद भी इसको कैलकुलेट कीजिएगा जो इसकी वैल्यू है वो है स्क्वायर मीटर एरिया तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो जनरली फार्मर्स या हम लोग फेस करते हैं कि हम पे एक किलो एटर्जिन है या दो किलो है या ढाई किलो है तो कितने एरिया में हम उसको इस पर कर सकते हैं तो इस मैथडोजी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो मैंने आपको दो तीन तरीके से कैलकुलेट करना बताया हर साइड को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है तो क्वेश्चन को घुमा के दिए जाते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि हमको एरिया दिया हो तो हम कैसे अमाउंट निकालें अमाउंट दिया है तो हम कैसे एरिया निकालें तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच